हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन संग्रह अभियान जोरों पर लोग दिखा रहे संग्रहण में रुचि। राम मंदिर निर्माण हेतु जसवंतपुरा नगर में निधि संकलन समिति द्वारा जो धन संग्रह का अभियान चलाया जा रहा है वो बहुत ही जोरों शोरों से जारी है। प्रचार प्रमुख हेमंत राज पुरोहित ने बताया कि बड़े बड़े व्यवसायियों से लेकर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले सब लोग दिल खोल कर निधि समर्पण कर रहे हैं और निधि समर्पण में सबसे अग्रिम पंक्ति में अभी दिहाड़ी मजदूर और जो आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोग सबसे आगे आकर अपने सामर्थ्य से भी बहुत अधिक निधि समर्पित कर रहे हैं। इसी दौरान सेवा बस्ती में निधि संकलन कर रहे जीतू दवे, जगदीश लोहार, मनीष सोनी, दिलीप राज पुरोहित, धीरज नागर और समिति के सदस्य को लाखन राम राणा ने और वहाँ उपस्थित लोगों ने कहा कि राम के लिए वे लोग अपना सब कुछ समर्पित कर सकते हैं और उन्होंने कहा कि राम इस संसार में हर जगह कण कण में मौजूद है, इसलिए राम के लिए वे लोग हर प्रकार की सेवा देने के लिए तैयार हैं। संकलन समिति ने उनके द्वारा जो निधि दी जा रही है उसको करोड़ों रुपए के कारोबार अमूल्य बताकर पूर्ण मान सम्मान से उनसे निधि ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बुजुर्ग रोमी देवी लोहार ने अपने पैर पर फ्रैक्चर होने के बावजूद भी निधि समर्पण के लिए खुद हेमंत राज पुरोहित के घर जाकर निधि समर्पित की। रोमो देवी के आत्मीय एवं श्रद्धा भक्ति को देखकर संकलन समिति उनके भाव के प्रति नतमस्तक हो गई और बड़े ही आदर भाव से उनकी समर्पण निधि ली। सरकारी कर्मचारी भी दिखा रहे रुचि। इसी दौरान सरकारी विभाग के कर्मचारी भी राम निधि समर्पण में रुचि दिखाते हुए निधि समर्पण कर रहे हैं। वन विभाग के कर्मचारी रायचंद सुथार और देवी सिंह धवला के संकलन समिति को निधि समर्पित करते हुए कहा कि ऐतिहासिक राम मंदिर निर्माण समस्त देशवासियों के लिए गौरव का विषय है और हमारा सौभाग्य है कि हमें इसमें निधि समर्पण करने का मौका मिला। इस दौरान लक्ष्मण माली जसवंत प्रजापत, कपिल अग्रवाल, महेश नागर, भरत सुतार, किशोर सेन और संकलन समिति के स्वयंसेवक उपस्थित थे। जागरूक टीवी के लिए जसवंतपुरा से महेंद्र प्रजापत की रिपोर्ट।